डीआरडीओ में जो है सेप्टेम्बर 10 में वैकेंसी आया है। सबसे पहले जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है लगभग 1900 जो है, जैसा कि अभी पता चल रहा है कि 1900 प्लस पोस्ट है। तो एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहले ही एक लाइन में बता देता हूं कि डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले और जो बीएससी किए हुए हैं, डिग्री जिनके पास है, सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऑफिशियल पीडीएफ के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो यहां पे एक चीज सबसे पहले देखो, यहां पे किस पोस्ट के लिए आया है, पहले ये आप समझो। तो यहां पे जो है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट आया है, पहला नंबर। दूसरा जो है टेक्निशियन के लिए आया है, और जहां टेक्निशियन दिमाग में आ गया तो समझ लो कि आईटीआई वाले लोग के लिए है। आगे बढ़िए, और यहां पे जो है ये क्रूशियल डेट एक मेंशन कर दिया है कि 23 सितंबर 2022, इसी से जो है सब कुछ आपका डिसाइड होने वाला है। बाकी जो है इसका 3 सितंबर से स्टार्ट होगा और 23 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट होगा, और टियर 1 का एग्जाम जो है आपको अनाउंस जो है फर्दर वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप www.drdo.gov.in पे आप जाइएगा, वहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहां पे देखिए, इसका सबसे पहला जो पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, उसका जो है 35,400 से लेकर 112,400 के आसपास जो है सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एज की बात करें तो एज जो है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी, उसके बाद विडो, डाइवर्स, तलाकशुदा महिला, इन लोगों को जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो आपको अपडेट मिल जाएगा। अब चलिए यहां पे हम क्वालिफिकेशन का देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहां पे देखिए किन किन लोग भर सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा, आप बस समझते जाना। एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं, टोटल जो है आपका बीएससी डिग्री चाहिए, 10 पोस्ट है टोटल। ऑटोमोबाइल जो है आपका डिप्लोमा चाहिए, 15 पोस्ट है। बोटनी जो है बीएससी चाहिए आपका, 3 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल आपका डिप्लोमा में चाहिए 35 पोस्ट। केमिस्ट्री जो है वो बीएससी डिग्री होना चाहिए आपका, केमिस्ट्री में 58 पोस्ट। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 25 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस जो होना चाहिए आपका बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, और यहां पे एक चीज और मेंशन कर दिया है कि डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं जो लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं। ये मैं इसलिए ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि इसमें पोस्ट जो है भर के 167 पोस्ट है, ठीक है। और यहां इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 17 है, और आपका डिप्लोमा वाले भर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए 68 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 31 पोस्ट है, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री में। और यहां पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 192 पोस्ट, अब बीएससी डिग्री आपका होना चाहिए इसमें, ठीक है, और डिप्लोमा भी चलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो बीएससी चलेगा यहां पे, और डिप्लोमा भी चलेगा आपका किस चीज में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है। लाइब्रेरी साइंस जो आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए इन मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा आपका लाइब्रेरी साइंस है, 13 नंबर ऑफ पोस्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो प्रोडक्शन होता है मैकेनिकल का, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग जो होता है वो मैकेनिकल का पार्ट। 294 वैकेंसी सबसे ज्यादा आया हुआ है इसमें। मेटलर्जी की बात करें तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए मेटलर्जी में, 21 नंबर ऑफ पोस्ट है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT जो होता है 16, और आपका बीएससी डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। फोटोग्राफी की बात करें तो बीएससी डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए इन फोटोग्राफी, 8 पोस्ट है इसमें। फिजिक्स जो है आपका बीएससी डिग्री, पीसीएम पीसीबी दोनों चलेगा, ठीक है, और 32 पोस्ट है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए प्रिंटिंग में, और इंजीनियरिंग चलेगा, इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हो इसको। टोटल हमारा पोस्ट 5 है। साइकोलॉजी की बात करें तो 11 पोस्ट है, बीएससी डिग्री आपका होना चाहिए। टेक्सटाइल जो है आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए, 5 पोस्ट है। जूलॉजी जो है आपका बीएससी डिग्री इन जूलॉजी फ्रॉम एक अच्छे जगह से, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9। ये जो है 1075 पोस्ट है, जिसमें 46 पोस्ट जो है पीडब्ल्यूबीडी यानी विकलांग कैटेगरी को दिया गया है, इस बात का ध्यान देना। अब टेक्नीशियन ए की बात करें, नन गैजेट नन मिनिस्ट्रियल, इसमें जो है आपका 19,900 से सैलरी मिलेगा, और 63,200 के आसपास 18 से 28 वर्ष के बीच में आपका एज रहना चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी ओबीसी विडो महिला तलाकशुदा ये लोगों को जो है रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अब देखिए यहां पे क्या क्या आया है, ऑटोमोबाइल आपका 10th क्लास और इक्विवेलेंट और सर्टिफिकेट फ्रॉम, तो जनरली समझ लो कि आईटीआई इन ऑटोमोबाइल ट्रेड। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5 है। बुक बाइंडर जो है आपका आईटीआई से होना चाहिए 20 पोस्ट। कारपेंटर में जो है आपका कारपेंटरी आईटीआई से होना चाहिए 12 नंबर ऑफ पोस्ट है। उसके बाद
सीएनसी ऑपरेटर में जो है आपका आईटीआई होना चाहिए, 9 पोस्ट है। कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 139। उसके बाद ड्रॉटमैन मैकेनिकल की बात करें तो आपका आईटीआई इन ड्रॉटमैन 35 पोस्ट, और डीटीपी ऑपरेटर की बात करें तो 8 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड, उन लोगों के लिए 106 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपका टेंथ क्लास तो ऐसे यहां बस ऐसे ही डाल दिया गया है। नॉर्मली जो है लोग टेंथ में आईटीआई करते हैं तब ये ट्रेड मिलता है उनको, ठीक है। नॉर्मली टेंथ क्लास में कहां से मिलता है, वो तो सिंपल सब्जेक्ट रहता है, समझ गए ना। तो यहां पे आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 113 पोस्ट है। फीटर में जो है आपका फीटर होना चाहिए ट्रेड, 127 पोस्ट। ग्राइंडर की बात करें तो 7 पोस्ट है, आपका आईटीआई ग्राइंडर में होना चाहिए। मैकेनिस्ट की बात करें तो आईटीआई इन मैकेनिक्स 89 पोस्ट। मैकेनिक्स डीजल ये भी अलग है, 4 पोस्ट है। उसका मिल रेट का बात करें तो यहां 8 पोस्ट है। मोटर मैकेनिक की बात करें तो 13 पोस्ट है। पेंटर की बात करें तो 3 पोस्ट है। फोटोग्राफर की बात करें तो आपका आईटीआई इन फोटोग्राफर 11 पोस्ट। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करें तो आपका आईटीआई में ये डिग्री होना चाहिए, 8 पोस्ट है। सीट मेटल वर्कर की बात करें तो आईटीआई होना चाहिए आपका उस कैटेगरी से, 14 पोस्ट। टर्नर की बात करें तो आपका जो है टर्नर का डिग्री होना चाहिए ट्रेड में, आईटीआई 45 पोस्ट है। और वेल्डर की बात करें तो वेल्डर इन आईटीआई 50 पोस्ट है, जिसमें 34 पोस्ट जो है वो विकलांग कैटेगरी के लिए है, इस बात का ध्यान देना। और यहां पे 826 पोस्ट, दोनों को मिला दीजिएगा तो 1901 के आसपास पोस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आगे अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले जो आपका ये सर्टिफिकेट जो होगा वो ध्यान देना इस बात का कि 23 सितंबर से पहले अगर आपका कंप्लीट होता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर 23 सितंबर के बाद आप वेट कर रहे हो कि मेरा डिग्री आएगा तो बिल्कुल आप मत भरना, बिल्कुल नहीं भरना, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें आगे जो इसका सिलेबस की बात करें तो ये जो है आपका जगह है लगभग 39 पोस्ट इंडिया का है, आगरा से लेकर विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, वाराणसी, त्रिवेंद्रम की बात, सिल्लीगोरी, रांची, रायपुर, जोधपुर, ये सब जो है कंप्यूटर, ये सब जो है जगह का नाम है, यहां पे आप भर सकते हो। अब जो है अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहां पे जो आपका सीबीटी स्क्रीनिंग जो होगा फॉर पोस्ट स्टैब बी के लिए, इसमें जो है आपका रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट यानी डेढ़ घंटा का। और जो आप लोगे सब्जेक्ट जिस पोस्ट के लिए भरेंगे उसमें आपका प्रॉपर एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे के आसपास। दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा जो है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक ए, इसमें सीबीटी होगा प्रोविजनल सिलेक्शन, इसमें भी जो है सिलेबस लगभग सेम है मगर नंबर कम है, 40 है सेक्शन और 80 सेक्शन बी के लिए, 120 क्वेश्चन, 90 मिनट। और दूसरा जो है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, तो यहां पे जो आईटीआई लेवल का जो आपका ट्रेड होगा उसके हिसाब से आपका सिलेबस होगा, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी आपको पास करना पड़ेगा, इस बात का यहां नॉर्मल लिख दिया है कि द ट्रेड टेस्ट में बी ऑफ अबाउट 1 to 2 आवर ड्यूरेशन, 1 से 2 घंटा के आसपास का आपका हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। दोनों मिला के जो है आपका सिलेक्शन होगा। और यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 23 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट है, तो आप सभी लोग जो लोग टेंथ हैं, आईटीआई हैं, बीएससी डिग्री की हो, इंजीनियर लोग को भी मौका दिया गया है, डिप्लोमा वाले को सबसे ज्यादा मौका दिया गया है, तो आप लोग भर के वैकेंसी आया है तो भरिए। और अगर आप बोलेंगे कमेंट करके कि सर सिलेबस का भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए, तो अगर सिलेबस कहीं ना कहीं अवेलेबल तो होगा नेट में, तो हम सिलेबस का भी जिक्र कर देंगे। हमारी सरकारी नौकरी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम काफी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल को शेयर करना बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।